हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि मैक्सिमम व्हीकल में रेड लाइट डैशबोर्ड पर ब्लिंक करती रहती है। तो दोस्तों, ये रेड लाइट क्यों ब्लिंक करती है, इसका क्या काम है, वो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो रेड लाइट है ये क्या होती है, ये इस रेड लाइट को हम बोलते हैं एंटी थेफ्ट सिस्टम, जो कि टॉप मॉडल गाड़ियां होती है उन सब में लगा होता है। इस एंटी थेफ्ट सिस्टम से आपकी और आपके कार की जो है वो सेफ्टी बनी रहती है। ये हर एक, ये जो रेड लाइट है ये कहीं डैशबोर्ड पे, कहीं मीटर पे, कहीं ना कहीं आपको ब्लिंक करती दिखाई देगी। ये दोस्तों, जैसे कार को हम लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद ये जो ब्लिंक करती है, अगर हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, गाड़ी की जो की कॉन्टेक्ट में है, अनलॉक है, तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक नहीं करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास टॉप मॉडल गाड़ी है, ब्लेनो जेटा है मेरे पास, तो इसमें ये पुश बटन स्टार्ट है और उसकी ये जो है ये की है। अब जो हम देखो, मैं इसको कर देता हूँ लॉक, गाड़ी हमारी लॉक हो गई है। अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी रेड लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ये देखो दोस्तों, ये जो हमारी रेड लाइट है वो यहाँ ब्लिंक कर रही है, ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। अब अगर कोई चोर हमारी गाड़ी को छेड़छाड़ करता है, कोई डुप्लीकेट की से उसको खोलने की कोशिश करता है, तो ये जो स्टार्ट नहीं होगी, ना ही ये खुलेगी। अगर हम दोस्तों, ये देखिए आप, जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है वो हमारा एक्टिवेट है गाड़ी में, और जो रेड लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। जैसे हमारी ये गाड़ी की चाबी है, इसको हम अनलॉक करते हैं, गाड़ी अनलॉक हो गई है। अब जो ये रेड लाइट है ये ब्लिंक करना बंद हो गई है। अब इसको हम लॉक कर देते हैं, ये हमारी गाड़ी लॉक हो गई है। अब जो हमारा जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है या जो रेड लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। अब दोस्तों, जैसे कोई अंदर आ भी जाता है हमारी गाड़ी के, और जो गाड़ी के डोर है वो ओपन करने की कोशिश करता है, जैसे हमारे डोर जो है वो अभी लॉक है, ये देखिए, जैसे बगैर चाबी के डोर ओपन करने की कोशिश की, ये हो गया। अब इसको ऐसे लॉक करेगा कोई, तो ये देखो सर, चारों इंडिकेटर अपने आप स्टार्ट हो गए हैं, और ये जो सायरन की आवाज़, बुजर की आवाज़ है, ये भी अपने आप बजना स्टार्ट हो गई है। जब तक हम इस चाबी से लॉक या अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक ये सायरन जो है वो बजते रहेंगे। जैसे मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, ये जो है सायरन बंद हो गया है। तो फ्रेंड, इस एंटी थेफ्ट सिस्टम का ये अपना ऐसे काम करता है, और ये ही इसका मेनली काम होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है शेयर जरूर करें। अगर आपको आपकी गाड़ी में कोई और दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। दोस्तों, वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।